कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अधिकारियों के सामने ही मां बेटी की जलकर मौत के मामले में परिवार अब शवों का अंतिम संस्कार करने को तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री को मौके पर बुलाने समेत कई मांगों पर अड़े परिवार से डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को ऐसी सजा देंगे कि पुश्तें भी याद रखेंगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी हुई है। ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर FIR दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तू हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं, और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरतापूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना? एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे जो भी दोषी है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, और जो दोषी है उनकी पुश्तें भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे, आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यह हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो, हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है, और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे, और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को, जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया, हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। खैर, बातचीत के बाद मृतका के बेटे शिवम का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि वो बृजेश पाठक के आश्वासन से पूरी तरह संतुष्ट हैं। मतलब आश्वासन दिया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। अगर वो मेरे साथ मतलब जो उन्होंने वादा किया है वो अगर पूरा करते हैं तो मैं उसे संतुष्ट। आपने क्या बात कही सीएम साहब से मिलवाना है? आपने क्या बात कही डिप्टी सीएम साहब से? मैंने उनसे कहा था मुझे सीएम साहब से मुलाकात कराइए और जो भी अपराधी हैं उनको त्वरित मतलब तुरंत जेल में या जो भी उनके साथ खिलाफ कार्रवाई जो है तुरंत करवाइए। उसके बाद जो हमारा हमें आवाज़ दिलाइए और ज़मीन का पट्टा कराइए और सरकारी नौकरी दिलाइए और 1-1 करोड़ का मुआवजा राशि हम दोनों भाइयों को अलग अलग दिया जाए। उसके बाद पापा को पेंशन और हमारा राशन कार्ड दोनों। संतुष्ट है आप जी? तो आप सबका पोस्टमार्टम और जो अंतिम संस्कार है उसके लिए आप तैयार? कानूनी कार्रवाई शुरू हो जी, मैं चाहता हूँ सर सम्मानजनक जो भी कार्रवाई करनी है वो परिवार के साथ मिलकर प्रशासन जो है मदद करते हुए, गांव वाले सब लोग हैं इनके परिवार वाले, जो भी है आगे कार्रवाई करती जाएगी और जो भी कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटिव ये करनी है कल से ही शुरू।